भारत विच आस्था दे कई रूप हन जिस दे अनुसार भारतीय लोकां दीआं आसां मुरादां पूरियां हुंदियां हन। ऐसा ही एक आस्था दा केंद्र हर नवरात्रियां विच वेखण नूं मिलदा है अमृतसर दे दुर्गयाना मंदिर विखे, जिथे लगदा है एक विशाल मेला जिस नूं कहिंदे ने लंगूर मेला। इत्थे लोग पहले नवरात्रे तो ही वड्डे हनुमान मंदिर दे इस लंगूर मेले विच अपने बच्चे नूं लंगूर दा रूप धारण करके मत्था टेकने लियांदे हन अते 10 दिन तक इस ब्रह्मचार्य वर्त दा पालन भी करदे हन। 10 दिन चलन वाले इस वर्त दा अंत बड़ी ही श्रद्धा ते भावना दे नाल दशहरे वाले दिन हुंदा है। मेरा नाम मनीष शर्मा शास्त्री है। दुर्गयाना मंदिर में हमें हनुमान मंदिर में पुजारी हैं। आज ये नवरात्रे का पहला दिन है जो कार्तिक मास से शुरू हुआ है। आज संक्रांत भी है और पहला नवरात्रा भी है, तो सभी भगत अपनी मनोकामना लेके इस मंदिर में आए हुए हैं। कोरोना महामारी करके दर्शन अंदर से ना करा के बाहर से लाइनें लग रही हैं, और पिछली वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी सभी भगत अपनी मनोकामना करने वहाँ माता पिता के साथ बच्चे लंगूर बने हैं। और ये लंगूरों का मेला 10 दिन चलेगा, दशहरे के अगले दिन विसर्जन होगा। अगर हम बात करें कोरोना की, कोरोना जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, यहाँ पे कैसे चल रहा है वो सारा? कोरोना करके हमने दर्शन अंदर से ना करके बाहर के लिए बोला गया है। सभी को मास्क वगैरह की बोला गया है कि मास्क पहन के ही आए, और ये बच्चे के साथ या माता या पिता ही लाइन में लगे, सबको लाइन में लगना जरूरी नहीं है, ये उनको बताया गया है। और 2500-2600 बच्चों की रजिस्टर किया गया है कि जिन बच्चों का रजिस्टर हुआ है वही बच्चे लाइन में आए, बाकी कोई अनदर बंदा कोई लाइन में ना आए, इसीलिए ये कोरोना करके बताया गया है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और कैसी मन्नत लेके आते हैं? लोग हरियाणा से भी आए हैं, जलंधर से भी आए हैं, लुधियाना से भी आए हैं, पंजाब के सभी क्षेत्रों से आते हैं, और दिल्ली और फॉरेन से भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। ज़्यादा बच्चे पंजाब के शहरों से बाहर से आने वाले हैं, और उनके रहने के लिए धर्मशाला में व्यवस्था की जाती है 9-10 दिन की। तो इस करके कोरोना में थोड़ा बाहर के विदेशी लोग कम है इस बार, नहीं तो विदेश से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। कोरोना